Welcome to Dr. Kantha Bhutta's medical series. हमारी इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ाएं? कोविड पीरियड में तो हमने इन सब चीज़ों का भरपूर वपराश किया हुआ है। ये सब काढ़े, कश्मीरी हल्दी वाला, फिर नीम की पत्तियाँ, नींबू, अदरक, हल्दी, सब चीज़ें भरपूर यूज़ की है। उससे थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ ही होगा, पर एक्चुअल इम्यूनिटी किससे बढ़ती है वह मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए 8 चीज़ों की ज़रूरत है। उसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि इम्यूनिटी कम हो जाती है तो क्या होता है। आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, सर्दी, खांसी, जुकाम कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, पेट अपसेट हो जाता है, आपको कोई जख्म हुई होगी तो जल्दी से अच्छी नहीं होती है। एलर्जिक प्रॉब्लम भी जिनको इम्यूनिटी कम रहती है उनको बार बार हो जाता है, कुछ थोड़ा सा हुआ ठीक हो गई, कुछ थोड़ा सा हुआ नाक बंद हो गया, ऐसे कुछ न कुछ चलता रहता है। तो यह कौन सी 8 चीज़ें हैं जिसके कारण इम्यूनिटी अपनी बढ़ा सकते हैं? पहली चीज, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का तो आप सबको अनुभव बहुत अच्छा है। कोविड पीरियड में वैक्सीन लेने के बाद में कोविड का इंसिडेंस इतना कम हो गया था, हो गया है कि हम लोग विदाउट मास्क अच्छे से घूम रहे हैं। बच्चे जन्मने के बाद में 1 साल तक तो उनका वैक्सीन चलता ही रहता है। एक्चुअली तो इधर एक वैक्सीन ख़त्म हुआ तब तक दूसरे का टाइम आ जाता है, पर उसके कारण उनकी हेल्थ कितनी अच्छी रहती है, वो काफ़ी बीमारी से, एक्चुअली सभी इन्फेक्शन बीमारियों से काफ़ी बार बच जाते हैं। वैसे ही एजेड लोगों के अंदर जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए इन्फ्लुएंजा या न्यूमोनिया की वैक्सीन लेने के कारण बाकी सीरियस न्यूमोनिया जैसे प्रॉब्लम कम हो जाते हैं। वैक्सीन कैसे काम करती है? वैक्सीन में जो भी बीमारी होगी उसके कण अथवा उसके थोड़े से एटेन्यूएटेड वायरस हो, बैक्टीरियल कुछ ए हो, वो आपको इंजेक्टेबल इससे देते हैं और उसके लिए एंटीबॉडीज़ तैयार होती है। वो एंटीबॉडीज़ अगर उस इन्फेक्शन के आप कांटेक्ट में आ जाओ या हो जाए तो वो जंतु को वहाँ पे ही मार देती है, ख़त्म कर देती है। इसके कारण आपको मोस्टली इन्फेक्शन होगा नहीं, होगा तो ही बहुत ही सौम्य प्रकार से होगा। इसलिए जब जो वैक्सीन ज़रूरी है अपने को ले लेनी चाहिए, और बच्चों का तो वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से करना चाहिए। आपका खाना, उसके बारे में तो हम हरदम ही बोलते हैं, सिंपल घर का खाना हो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अगर आप स्प्राउट्स यानी सिंपल, एक्चुअली प्रोसेस फूड कम खाओ। बाजार का खाना जो पिज़्ज़ा है या सैंडविच है ये ज़्यादा मत खाओ। काफ़ी बार मैं लोगों को बोलती हूँ कि आएंगे बोलेंगे हमारी बच्ची तो दोपहर को खाना ही नहीं खाती, या हम लोग खाना खाते ही नहीं है, फिर पूछते क्या करते हैं, तो वो बोले बाजार से ऐसे ही थोड़ा सा लेके कुछ खा लेते हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस फूड के अंदर आपका वज़न बढ़ता जाता है, प्रोसेस फूड ज़्यादा खाने के कारण आपको डायबिटीज़, प्रेशर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही सिंपल खा, आप सिंपल देखिए, अगर आप शादियों में गए, एक हफ्ते होटल में रहो, काफ़ी बार आपको डल लगता है, हेडेक शुरू हो जाते हैं, पेट अपसेट हो जाते हैं, वही आप डेली का खाना खाते रहो, रूटीन आपका फिक्स रहे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आपको बहुत ही अच्छा लगता है। अभी तीसरी बात, कसरत। कसरत कितनी करनी चाहिए? काफ़ी लोग बोलते हैं मेरे को तो कसरत करनी थी पर अभी क्या करूँ, मेरे को जिम जाने को टाइम नहीं मिल रहा है। कसरत मतलब जिम नहीं है, कसरत यानी कोई भी कसरत हो जाती है। आप घर के अंदर ही चक्रे लगा लो, वो भी कसरत हो गई। आप घूमते ही रहो, ऑफिस में कंटिन्यूसली एक जगह बैठे मत रहो, 15-20 मिनट काम किया, थोड़ी सी चक्कर लगा लो, इधर जाके पानी पी के आ जाओ, अपने काम आप खुद करो, उससे भी काफ़ी बार आपका घूमना हो जाता है। फिर शाम के टाइम पे या मॉर्निंग में जैसे ही आपको टाइम मिले एक आधा घंटा वॉक कर लो, धीमे धीमे आपका वॉकिंग डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, दोनों ही टाइम थोड़ा थोड़ा वॉक कर लो तो भी अच्छा रहता है। उसके साथ अगर योगा स्ट्रेचिंग करोगे तो बहुत ही अच्छा है, बट सिंपल वॉक, साइकिलिंग, ये सब चीज़ें कसरत, ये सब चीज़ों की कसरत ज़्यादा काम आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कसरत करोगे तो भी थक जाओगे ना, बहुत कसरत के बाद में आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बार डाउन हो जाती है और आप बीमार पड़ जाते हो। फिर सादा पानी सबसे अच्छा है, अल्कोहल मत लो, अगर आप हैबिचुएटेड है तो भी एकदम कम मात्रा में लो, स्मोकिंग टोबैको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फिर पांचवा कारण, एंजाइटी, स्ट्रेस।
यस, उससे इम्यूनिटी कम होती है। आपने देखा होगा, आपके स्कूल टाइम याद कीजिए या कॉलेज टाइम याद कीजिए, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तब आपको सब शुरू हो जाता है, एलर्जी शुरू हो जाती है, आपके नाक बंद होने लग जाते हैं, पेट अपसेट हो जाता है। काफ़ी बच्चों को या काफ़ी जनों को तो एग्ज़ाम के टाइम पे खांसी कंटिन्यूस आती ही रहती है, और एग्ज़ाम ख़त्म खांसी गायब। तो ये सब कारण से भी आपके इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए बढ़िया एक 10-15, जब आपको एकदम स्ट्रेस में आ गए हो तो आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ से हट जाओ, थोड़ा सा बाहर चले जाओ, पानी पी लो, कुछ भी कर लो, किसी से आपके जिसके साथ जमता है उसके साथ थोड़ी सी 2 मिनट बात कर लो, अगर सामने है तो वहाँ जाके बात कर लो, नहीं है तो फ़ोन पे बात कर लो, उससे ही काफ़ी रिलैक्स हो जाओगे। और आपके पास टाइम है तो घर के बाहर वॉक के लिए निकल जाओ, तो उस टाइम पर ही काफ़ी एंग्जाइटी स्ट्रेस कम हो जाता है। यानी जो लोग कायम स्ट्रेस में रहते हैं उनको कोई एक्टिविटी में अगर मन लगा ले तो उससे भी कम हो जाता है। छठी चीज, नींद। स्लीप बहुत ही ज़रूरी है, मैंने बहुत बार आपको बोला है, नींद अच्छी लोगोगे तो आपके वेयर एंड टेयर कम हो जाएगा, आपकी बॉडी अच्छी तैयार हो जाएगी। सो नींद ज़रूरी है। नींद पूरी हो गई आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपने देखा होगा, अगर 2-4 दिन अच्छी नींद नहीं होती है, कुछ भागदौड़ ज़्यादा की हुई, आप पक्के बीमार हो, तो हेडेक हो जाता है, नाक बंद होने है, कभी पेट अपसेट होना है, सब प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उस टाइम पर कम होने लग जाती है। सोशलाइजेशन, सनलाइट, फ्रेश एयर, ये दोनों चीज़ें मैं कंबाइन कर रही हूँ, 7 और 8। अगर समझो आप सुबह के टाइम में आपके एक फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ या आपके कोई भी ग्रुप्स के साथ वॉक में चले गए, वहाँ पे बहुत सारा अच्छे से वॉक भी कर लिया है, अच्छा से पेट भर के हंस भी लिया है, शुद्ध हवा भी आपको मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है, 100% आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। उसके बाद बैठ के आपने एक कप चाय पी लिया तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, इम्यूनिटी भी टिके रहेगी। इसलिए इम्यूनिटी टिकाने के लिए जो मैंने आपको 8 चीज़ें बताई है, सिंपल है, वैक्सीनेशन है, न्यूट्रिशन है, चलते रहो, नींद लो, सोशलाइजेशन, सनलाइट और नो बैड हैबिट्स, तो इससे आप अपनी इम्यूनिटी टिका सकते हो। ये बाकी चीज़ें तो सब सप्लीमेंट्री हो गए। सो 8 चीज़ें भूलिए मत टू बूस्टर योर इम्यूनिटी। थैंक यू।